गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट बुक पेज नंबर 133। सो लुक इट हियर, क्वेश्चन नंबर 1, ऐड और सब्ट्रैक्ट। दैट मीन्स हियर टू क्वेश्चंस गिवन ऐड एंड टू क्वेश्चंस गिवन सब्ट्रैक्ट। सो वन वन आई डू लुक इन ऑन द कॉपी। फर्स्ट क्वेश्चन आई गिवन हियर 236 एंड 52। Another is 142.25. So how to do this one? Add 2 + 5. 2 में 5 + 10 कितना हो जाएगा 7. Again 5 में 2 + 10 कितना हो जाएगा 7. Okay. 6 + 2 = 8. 3 + 4 = 7. And 2 + 1 = 3. This is your addition. Next is subtract 0 0 0. Again 0 from 5, you can subtract, no, so you borrow 1 here. How much here now? 10, and here is 2. Okay, 10 from 5 go how much? 5. Here 2 from 4 go, no, then what you do? 1 borrow here from, so what here now? 12. 12 say 8 minus karo kitna ho jayega? 8. Sorry, 12 say 4 minus karne se kitna hoga? 8. नाउ इसमें कितना बच गया आपका 8, तो 8 में 8 जाने से क्या होगा 0, 4 में 3 जाने से 1, 6 में 2 जाने से 4, दिस योर आंसर, दिस द फर्स्ट आंसर एंड दिस वन सेकेंड आंसर, ओके। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हियर लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1, अपुल ब्रॉट ए बैग फॉर रुपीज 187.50 paisa, a water bottle for rupees 72 and a lunch box for rupees 35. How much money has he spent in all? That means Apul market se ek bag liya 187 rupees 50 paisa mein, aur ek water bottle liya 72 rupees mein, aur ek lunch box liya 35 rupees mein. To pooch raha hai ki Apul पूरा कितना पैसा वो खर्च किया इस इन चीज़ों में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट यू राइट कॉस्ट ऑफ ए बैग इक्वल टू रुपीज 187 रुपीज 50 पैसा, ओके। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ए वाटर बॉटल इक्वल टू रुपीज 72। अनदर इज कॉस्ट ऑफ ए लंच बॉक्स इक्वल टू रुपीज 35। ओके, नाउ टोटल मनी ही स्पेंट इक्वल टू रुपीज 187 रुपीज 50 पैसा प्लस 72 प्लस 35 इक्वल टू रुपीज, नाउ यू डू हियर ऑफ 187 रुपीज 50 पैसा अगेन 72 पैसा अगेन 35 रुपीज एड 7 + 2 = 9 + 5 = 14 + 4 = 1 = 9 10 = 19 9 1 2 294 rupees 50 paisa, this much he expenditure, okay. Now we see the next question. Salu spent rupees 340 rupees 50 paisa and Jyoti spends 430 rupees 75 paisa. How much money did Jyoti spend? That means इसमें बोला गया है कि Salu 340 rupees 50 paisa खर्च किया है और Jyoti spend किया है 430 rupees 75 paisa. तो पूछ रहा है कि ज्योति कितना ज़्यादा खर्च किया है, ठीक है, क्योंकि ज्योति का हाइस्ट है 430
और सालू का है 340। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे सालू स्पेंट इक्वल टू रुपीस 340 रुपीस 50 पैसा। उसके बाद ज्योति स्पेंट इक्वल टू रुपीस 430 रुपीज़ 75 पैसा। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। देयर डिफरेंस इक्वल टू रुपीस 430 रुपीज़ 75 पैसा माइनस 340 रुपीज़ 50 पैसा। रफ 430.75 340.50 माइनस, ये हो गया आपका 520, यहाँ में हो गया आपका 13, यहाँ हो गया 390। तो 90 रुपीज़ 25 पैसा वो ज़्यादा खर्च किया है, ठीक है ना। दिस द आंसर। नाउ वी मूव टू न्यू पेज, पेज नंबर 134। क्वेश्चन नंबर वन, मल्टीप्लाई। हियर फर्स्ट क्वेश्चन आई डू ऑन द कॉपी, सो लुक इट हियर। मल्टीप्लाई 32.50 इंटू 6। 6 0 जा 0, 6 5 30 का 0, 3 रिमाइंडर 6, 2 जा 12, 3 15 5 1 रिमाइंडर 18, 1 19, 12.12 point, ओके। दिस इज द वे वी हैव टू पुट अप द पॉइंट। नेक्स्ट इज 24.25 इंटू 13। 3 5 जा 15 का 5, 1 रिमाइंडर 3 2 जा 6, 1 7, 3 4 जा 12 का 2, 1 3 2 जा 6, 1 7, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। After that, add. After addition, you get 5, 12 का 2, 1, 5, 11 का 1, this one 3, 1, 2, 1, 2, point here. Okay, this your answer. ये हो गया फर्स्ट मल्टीपल सिंगल नंबर से, सेकेंड मल्टीपल डबल नंबर से, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, डिवाइड। यहाँ भी देखो सिंगल नंबर से डिवाइड किया हुआ है और कहीं डबल नंबर से भी डिवाइड किया, तो दोनों तरीके से आपको बताएंगे। तो पहले सिंगल नंबर से डिवाइड करके दिखाएंगे। तो देखो 7 का टेबल में 31 है, नहीं है, तो उससे छोटा क्या होगा, 4। 7 4 जा 28, माइनस कर दीजिए। 11 में 8 जाने से कितना होगा, 3, ये कैंसिल। ये पॉइंट को यहाँ डाल के ये 5 को आप नीचे कर दीजिए, 5। तो 7 5 जा 35, ओके कैंसिल। फिर ये 7 को आप यहाँ नीचे लेके आइए, 7 1 जा 7, हो गया। दिस द आंसर। ओके नेक्स्ट 15 से डिवाइड करना है ये नंबर को। तो 15 1 जो 15, 15 2 जो 30, 15 3 जो 45, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आप चेक करना है। तो 15 8 जो 120, ओके माइनस, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1, ये कुछ नहीं कैंसिल। ये 8 को आप यहाँ डाल दीजिए, उसके बाद पॉइंट आने के बाद यहाँ पॉइंट डाल सकते हैं आप। 9 10 15 9 जा 135, माइनस कीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3 बच गया और ये 0 को आप यहाँ डाल दीजिए। 15 2 जा 30, ओके। इस तरह का डबल नंबर को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। नाउ वी सी द बुक पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट ए टिकट कॉस्ट रुपीज 63 रुपीज 50 पैसा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 टिकेट्स। बोला गया है कि एक टिकट का कॉस्ट रुपीज 63 रुपीज 50 पैसा है,
तो बताओ 16 टिकेट्स का कॉस्ट कितना होगा? तो पहले क्या करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ वन टिकट इक्वल टू रुपीस 63 रुपीज़ 50 पैसा। उसके बाद फिर लिखिए कॉस्ट ऑफ 16 टिकेट्स इक्वल टू रुपीस 63 50 × 16। इसको आप यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 0 0 6 5 30 का 0 3 रिमाइंडर, 6 3 18 19 20 21 का 1 2 रिमाइंडर, 6 6 36 37 38। फिर एक घर काटिए, 1 0 0 0 5 3 6, अब प्लस कर देना है। ये हो गया 0 0 6 11 का 1 10 1 2 1 2 यहाँ में। तो आपका आंसर हो गया 1016.00। ओके, 16 टिकट का कॉस्ट हो गया आपका 1016 रुपीज़। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 12 अम्ब्रेलास कॉस्ट रुपीज 1260, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन अम्ब्रेला। बताया गया है कि 12 छतरी का दाम 1260 रुपीज़ है, तो बताओ एक छतरी का कॉस्ट मतलब प्राइस कितना होगा? तो उसको कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 अम्ब्रेलास इक्वल टू रुपीस 1260। उसके बाद यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ वन अम्ब्रेला इक्वल टू रुपीस 1260 डिवाइड बाय 12। नाउ डिवाइड इट 12 1260, 12 1 जा 12, 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आप, 0 डाल देंगे, तो फिर ये 0 भी आ जाएगा आपका, 12 5 जा 60। ओके, सो आपका हो गया एक अम्ब्रेला का दाम 105 रुपीज़। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।